Okay. Hello, hello, hello. Yes. So हम आज डिस्कस कर रहे हैं कि बोर्ड कैसे प्रिंटिंग करना है अपने अल्टरनेट कलर्स में और डिफरेंट पीसेस डिफरेंट कलर्स में कैसे प्रिंट करना है। जैसे अब यहाँ पे 8x8 का बोर्ड मैंने प्रिंट किया है, तो इसमें आप देख रहे हैं पीसेस अलग अपनी जगह पे प्रिंट हो रहे हैं और अल्टरनेटिव कलर्स के ऊपर बॉक्सेस प्रिंट हो रहे हैं, ग्रिड पूरा प्रिंट हुआ है 8x8। तो ये आपने अब खुद फिगर आउट करना है कि 8x8 कैसे करना है। मैं आपको आज जो सिखाऊंगा वो है 2x2 आपने कैसे बनाना है। तो इस प्रोग्राम को हम चलाते हैं। सो बेसिकली ये देखिए, ये एक 2x2 का बोर्ड है जिसमें दो मैंने रुक के पीसेस ड्रॉ किए हैं और डिफरेंट कलर्स में ड्रॉ किए हैं। तो बेसिकली चार बॉक्सेस हैं इसके अंदर। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि ये कैसे करना है आप। So, सबसे पहले हम चले जाते हैं अपने इनिट के फंक्शन के ऊपर। तो इनिट के फंक्शन के अंदर हमने 2x2 का एक बोर्ड इनिशियलाइज किया है, ठीक है, और इसमें चार पीसीज रखे हैं जो कि बेसिकली दो रुक्स हैं और दो डैशेज हैं। डैश रिप्रेजेंट करती है कि हमारा एम्प्टी है स्पेस। तो इस तरह हमारा इनिशियलाइज हो रहा है बोर्ड। आगे हम चलते हैं ग्रिड के फंक्शन के अंदर, जो हमारा प्रिंट ग्रिड का फंक्शन है। ये है हमारा प्रिंट ग्रिड का फंक्शन। तो इसके अंदर बेसिकली जो पास होता है वो होती हैं रोज, पास होती है नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स, डायमेंशन पास होती है डी, रो डायमेंशन एक आपने इंटीजर इसको पास करना है जिसके अंदर वैल्यू ये रख के देगा। फिर कॉलम कॉलम डायमेंशन, ये भी एक इसके अंदर वैल्यू ये खुद इंसर्ट करेगा। और कैरेक्टर एस वो कैरेक्टर है जिसके थ्रू ये प्रिंट होना है बोर्ड। मतलब अगर आप इधर डैश डालते हो तो वो डैश प्रिंट मतलब स्पेस से प्रिंट करेगा, वरना जो भी आप कैरेक्टर डालोगे उसे प्रिंट करेगा। तो बेसिकली जैसे ये स्टार्ट होता है, ये वाला जो फंक्शन है इसके अंदर ये रो डायमेंशन, रो और कॉलम डायमेंशन जो है ना वो मैयर कर लेता है। रोज क्या है? रोज है आपके टोटल नंबर ऑफ डॉट्स ऑन द स्क्रीन। अगर आप इसकी तरफ देखें तो यहाँ पे ये एक जो पॉइंट होगा ना, इसको एक डॉट कहेंगे। तो यहाँ मैंने जो यूज किया है वो 20 डॉट्स इस तरह और 20 डॉट्स इस तरह इस्तेमाल किए, मतलब 20 डॉट्स हॉरिजॉन्टली और 20 डॉट्स वर्टिकली इस्तेमाल किए हैं। मतलब इतने इसको मैंने बता दिया कि ये मेरी लिमिट है। और डायमेंशन वो है कि जैसे अगर आपका 8x8 का बोर्ड है तो आप डायमेंशन दोगे 8 की। अब मेरा 2x2 का बोर्ड है तो मैंने डायमेंशन दिया 2 की। तो बेसिकली आप वो बताते हो उसको, वो उतने ही स्पेस में जितनी आपने उसको प्रोवाइड की हुई है उसके अंदर वो आपको बना के दिखा देता है कि ये आपकी बन गई जो है बोर्ड आपका इतना बन गया इसके अंदर, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं कैसे चल रहा है। तो इसमें सबसे पहले ये रोज को डिवाइड करता है डायमेंशन के ऊपर, आपकी पता आपने कितने बाय कितने का बोर्ड जो बनाना है आपने, और आरडीएम निकालता है उसी तरह सीडीएम निकालता है। फिर ये एक लूप लगाता है और उस लूप में बेसिकली क्या हो रहा होता है कि आपका वो हर बॉक्सेस को प्रिंट कर रहा होता है। अब जितने बॉक्सेस हैं और जितनी आपकी डायमेंशन है ना, उस हिसाब से वो आपका उस आपके वहां पे बॉक्सेस प्रिंट कर देगा। हर बॉक्स का एक स्टार्टिंग रो और स्टार्टिंग इंडेक्स होगा। वो कैलकुलेट करने का फॉर्मूला ये है जो मैंने हाईलाइट किया है। इस फॉर्मूले के थ्रू स्टार्टिंग इंडेक्स और स्टार्टिंग रो और स्टार्टिंग कॉलम कैलकुलेट होगी और वो आपने जो सा है यूज करते हुए बॉक्सेस प्रिंट करते जाने हैं। और बॉक्सेस डिफरेंट कलर में प्रिंट करने का वो है प्रिंट फिल बॉक्स। मतलब आपने फिल्ड बॉक्सेस प्रिंट करने हैं, उसमें जब कलर आप कलर का आपको कोड है ना, उस कलर के कोड में आप ये भेजोगे 15 तो मेरा ख्याल है ब्लैक प्रिंट करता है, और 0 भेजोगे तो वो वाइट प्रिंट करता है। तो आपने अल्टरनेटिवली करने हैं कि अगर कॉलम डिफरेंट होगी या रो डिफरेंट होगा, आपने इस तरह से फिगर आउट करना है। आगे चलते हैं हम बोर्ड के ऊपर। जब आपका ग्रिड प्रिंट हो जाएगा ना, उसके ऊपर आपने बोर्ड के पीसेस प्रिंट करने हैं अपने। उन पीसेस को देखते हैं हम कि कैसे प्रिंट होना है। ये हमारा बोर्ड है। तो आपने इसके अंदर मतलब आपने इसको इमेजिन करना है कि आपका मतलब जिस तरह आपने अपनी एरे में रखा हुआ है ना बोर्ड को, या पॉइंटर में रखा हुआ है, उसी तरह बोर्ड को इमेजिन करना है कि आपका जैसे मेरा 2x2 का बोर्ड है, तो मैं 2x2 का जो है वो फॉर लूप लगा रहा हूँ, और हर पीस के लिए जो बोर्ड के अंदर पड़ा हुआ है उस जगह पे, उसके लिए मैं कॉल करता हूँ प्रिंट नंबर इन बॉक्स सेंटर। बेसिकली ये एक ऐसा फंक्शन है कि ये बॉक्स नंबर देखता है
कि कौन सा बॉक्स नंबर है, और उस बॉक्स नंबर के सेंटर में जाके तो प्रिंटिंग स्टार्ट कर देता है। मतलब जो भी आपका पीस आपने जैसा बनाया होगा वो प्रिंट कर देगा, उधर उधर जाके जैसा आपने पीस बनाया होगा वो वैसे प्रिंट कर देगा। तो हम इसको खोल के देख लेते हैं। तो इसके अंदर बेसिकली एक स्विच स्टेटमेंट लगी थी, तो सबसे पहले तो इफ लगा हुआ है। अगर तो डैश पड़ी हुई है ना, जो जगह आपने जिस जगह के लिए कॉल किया है उस जगह पे अगर डैश पड़ी हुई है तो वो उस जगह को प्रिंट नहीं करेगा, वहां पर कुछ प्रिंट नहीं करेगा, खाली छोड़ देगा उसको। वरना अगर उधर कुछ पड़ा हुआ है, जैसे मैंने वहां पे आर रखा हुआ था, रुक था मेरा 00 पे और 10 पे मेरा रुक पड़ा हुआ, तो वो ये वाला केस कॉल हो जाएगा। इसके अंदर मेरा प्रिंट रुक का है वो चल पड़ेगा। प्रिंट रुक के अंदर क्या होगा, वो जाएगा सेंटर के अंदर बॉक्स के, उसको सेंटर डायमेंशन पता होगा, क्योंकि एस आर और एस सी पता लग जाएगा ना, तो सेंटर डायमेंशन उसको ऑटोमेटिकली मिल जाएंगे इसके थ्रू। तो सेंटर डायमेंशन में जाके SRSC के थ्रू आप सेंटर पे जाओगे बॉक्स के, उस वाले बॉक्स के, सर्टेन बॉक्स के, क्योंकि आरडीएम भी आपके पास सीडीएम भी है, तो आपको पता है कि रॉ का उस बॉक्स का सेंटर क्या बनेगा, उससे पांच, अगर आपका डायमेंशन 10 है निकला लेट से, तो वो SR से अगर आप 10 आगे चले जाओगे तो आप बॉक्स के सेंटर वाले रॉ में आ जाओगे। फिर SC आपके पास पड़ा हुआ है और सीडीएम आपको पता है, सीडीएम के आप दरमियान में जाओगे तो आप बॉक्स के एग्जैक्ट दरमियान वाले कॉलम में पहुंचोगे। इन दोनों के दरमियान में आप पहुंच गए तो बॉक्स सेंटर में पहुंच गए, वहां पे आपने प्रिंटिंग स्टार्ट कर दी। तो इस तरह चलेगा ये सारा आपका, फिर इस तरह प्रिंट हो जाएगा। और डिफरेंट कलर में प्रिंट करने के लिए, जैसे मैंने यहाँ पे 8 जो है वो रखा है कलर, जो मेरा है ब्लैक टाइप, और ये 3 कलर है ब्लू। बेसिकली ये आप कलर 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 कोडिंगली आप कर दो, मतलब मैंने जिस तरह रखा था कि बड़ा और छोटा रखा था, आप इस तरह कलर कोड कर सकते हो। बड़े आर, अगर बड़ा आर रखा हुआ बोर्ड के ऊपर तो 8 से प्रिंट कर दिया, छोटा आर रखा हुआ तो 3 से प्रिंट कर दिया, ताकि कलर्स डिफरेंट हो जाए दोनों प्लेयर्स के। तो एंड रिजल्ट आपके पास ये फिर आएगा कि आपके पास ये प्रिंटिंग हो गई। ठीक है, थैंक यू, दैट्स ऑल।